अनिल अंबानी की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ एक भाई मुकेश अंबानी अपनी कंपनियों के लिस्ट में रोज एक नया नाम जोड़ रहा है, तो वहीं दूसरा भाई अनिल अंबानी अपनी कंपनियों को बेचने पर मजबूर है। जी हां, अनिल अंबानी की एक और कंपनी अब बिकने वाली है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की अहमदाबाद विशेष पीठ ने इसकी मंजूरी दे दी है। अनिल अंबानी की ये कंपनी नेवल डिफेंस एंड इंजीनियरिंग है, जिस पर बैंकों का भारी कर्ज है। स्वान एनर्जी के नेतृत्व वाली हेजल मर्केंटाइल कंसोर्टियम अनिल अंबानी की कंपनी को खरीदने की रेस में सबसे आगे है और इसने 2700 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक फाइलिंग में कहा कि NCLT ने रिलायंस नेवल के लिए हेजल मर्केंटाइल की योजना को मंजूरी दे दी है। साथ ही NCLT ने जिंदल स्टील एंड पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अनिल अंबानी की कंपनी के बिक्री को मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार 23 दिसंबर को इसके शेयर 5% तक बढ़ गए हैं। हालांकि बाद में थोड़ा नीचे आकर 4.26% के उछाल के साथ 2.45% पर बंद हुए। बता दें कि इस कंपनी के शेयर इस साल कई महीने से ट्रेडिंग पर बंद थे। इस साल की शुरुआत में स्वान एनर्जी को रिलायंस नेवल शिपयार्ड के लिए विजेता बोलीदाताओं के रूप में LOI जारी किया गया था। यह अनिल अंबानी की दिवालिया कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की समाधान की दिशा में एक और अच्छा कदम माना जा रहा है। NCLT की मंजूरी से अनिल अंबानी की कंपनी के समाधान के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अनिल अंबानी की कंपनी पर भारतीय स्टेट बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कुल 12,429 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है। ऐसे में बैंकों और वित्तीय लेनदारों ने 26 महीने पहले ही वसूली के लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी। भारी कर्ज में डूबे इस कंपनी के लिए 2700 करोड़ रुपए के साथ हेजल मर्केंटाइल ने सबसे ज्यादा बोली लगाई है। फिर लंबे समय से चल रहे इस प्रक्रिया में हेजल मर्केंटाइल को NCLT की मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि हाल ही में NCLT ने रिलायंस जियो को रिलायंस इंफ्राटेल के अधिग्रहण की मंजूरी दी है। खैर, अनिल अंबानी का ये संकट कब खत्म होगा इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, और साथ ही अंबानी की ये कंपनियां किसके हाथ लगेगी इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।